अरे ये इसका हटा दे। पेड़ में बड़ी सही लाइट लगाई है, मस्त लग रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। सो के उठी हूँ मैं और उठते ही अब मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। एक ही घर में दोबारा से बर्थडे, क्योंकि पहले उस लड़के का बर्थडे था, उसका फर्स्ट बर्थडे था तो उसको क्या, और अभी उनकी बेटी का बर्थडे है तो एक दिन बाद ही था, लेकिन वो बच्चों का नहीं, नहीं मेरा अपना अपना होना चाहिए, तो ऐसा है। तो अभी जा रही हूँ मैं, पता नहीं केक कट गया नहीं कट गया, फटाफट निकलती हूँ, नहीं तो पता चला केक कट गया वो मैं घर पर रह गया। आज से ठीक एक दिन पहले ना इसके भाई का बर्थडे था, तो इसके पापा ने इसको ऑफर किया था कि दोनों एक साथ ही बर्थडे मना लो, अच्छे से बड़ा मना लेंगे। पर इसका था नहीं, मेरा अलग मनाना है मुझे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है ना। इसके भाई का फर्स्ट बर्थडे था और इसका सेकंड था, तो नहीं सॉरी सेकंड नहीं था, इसके बाद फोर्थ सॉरी। पर इसको अलग मनाना था क्योंकि इसके फ्रेंड्स आएंगे, इसके लिए अलग से गिफ्ट आएगा, तो वो उसका अपना होगा। भाई के में आएंगे सब, तो फिर भाई के लिए ही लेके आएंगे, बस इसके लिए नहीं लेके आएंगे। इसीलिए इसने अपना बर्थडे अलग से सेलिब्रेट कराया। बच्चों में कितना बचपना और कितना प्यारा बचपना होता है, माय गॉड। यहाँ इसको अपने लिए, इसके लिए गिफ्ट मिल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा होगा ना इसको कि मैं क्या बताऊँ। वैसे हमें भी लगता था हमारे टाइम में, आप लोगों को लगता था कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तो बहुत बोर लगता है क्योंकि अब काम बढ़ जाता है, लेकिन हमारे टाइम में तो काम तो मम्मी पापा ने करना है, हमने तो फ्री रहना है, तो फिर हमने बस इंजॉय करना है और अपने गिफ्ट्स लेने हैं। गिफ्ट्स बहुत सारे मिले थे और वो ना एक महीने पहले से सबको बता रही, आंटी मेरा बर्थडे है, अंकल मेरा बर्थडे है, आंटी मेरा बर्थडे आ रहा है। हम लोग को भी पता था कि हाँ इसका बर्थडे कौन से डेट में आएगा, और जब आ गया बर्थडे और सुबह से ही वो मस्त तैयार हो के घूम रही है, मज़े कर रही है। फिर हम निकल गए बाहर, हम पहुँचे फ्लैग पॉइंट पे। बहुत दिन से मैं फ्लैग पॉइंट नहीं गई थी, तो मैंने को बोला कि चलो फ्लैग पॉइंट पे चलते हैं, और इसकी वजह से मैंने कुछ खो भी दिया। मुझे बाहर स्प्रिंग रोल खाने के लिए मिलने वाला था, पर मैं फ्लैग पॉइंट चल गई, तो इन्होंने मुझे घर पर आके बताया कि मुझे तो तुझे वहाँ लेके जाने का मन था पर तूने उधर बोल दिया, तो मैं उधर चल गया। फिर मैंने आके इनको मारा कि आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था। मैं बेचारी डर डर के चुपचाप गई हूँ कि नहीं कुछ नहीं बोलूंगी, बोलूंगी तो बोलेंगे कि हाँ बस बाहर का ही खाते रहती जब भी बाहर निकले तब। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं और धृति घूम रहे थे मजे से, और धृति भी यहाँ पे थोड़ा सा खुली थी और फिर पता नहीं भाग के आ गई। अभी साइड में देखना कैसे प्यार मोहब्बत चल रहा है, मुझे देख के बड़ा मुझे भी लालच आ जाता है, पर मुझे ऐसा प्यार मोहब्बत घर के बाहर मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो शर्म में ही डूबे रहते हैं ना, तो घर के बाहर तो खैर भूल ही जाओ इनसे। रोज़ और थोड़ा और ज़्यादा लाइट ला के डेकोरेट किया गया था, यही प्रेसिडेंट आई थी तो उसमें क्या गया होगा। प्यार मोहब्बत तो छोड़ो, इन्होंने कभी हाथ भी नहीं पकड़ा, और पहले ही शर्म में डूबे रहते थे, अब ये धृति में डूबे रहते हैं, तो मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं, और पता नहीं आगे भी आएगा कि नहीं। हमारा बैठना लाइट अच्छी नहीं, यहाँ पे मेरी फोटो अच्छी आ रही है, फोटो अच्छी नहीं आ रही, तो ये मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाई, कोई बात नहीं, हम हीरोइन है हमारे और अच्छे आते हैं। अब हम घर चलते हैं, घर जाने से पहले इसको झूला लेके जाना पड़ा, क्योंकि उसने झूला बोला देख लिया उसने झूला, झूला चलते हैं। ये लाइट बड़ी पेड़ में बड़ी सही लाइट लगाई है, मस्त लग रहा है, पेड़ लग रहा है, लग नहीं रहा असली पेड़ है, जबकि ये असली पेड़। पहले इधर जब थी तब एक ही बार ही आई थी, उसके बाद मैं छोड़ा नहीं, जाती रहूँगी ना, और आना ही नहीं हो पाया मेरा, और अब आई हूँ। और यहाँ इनसे चाबी नीचे गिर गई थी, और इनको लगा कि मैंने गुम कर दिया, और फिर इन्होंने मुझे भेजा कि जा ढूंढ के लेके आओ, तो इन्होंने ही घुमाया था, और मेरा नाम पहले लगा दिया, नहीं तूने ही फ़ोन निकाला था तू। तो हम फाइनली घर आ गए थे, चाबी मिल गई थी हमें, ताला तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाबी नीचे पार्क में गिर गई थी, इनके पॉकेट में रखा था, नहीं बैग में ही रखा था इन्होंने, और इनको ध्यान नहीं रहा, और इन्होंने ए माता झोल फेरे ना बेटा, इन लोगों पानी फेंक रही भाई। और हमारा खाना पीना हो गया, वैसे ना इन्होंने मुझे बताया कि इनका मुझे बाहर खिलाने का प्लान था, और मैं बेचारी मैं शरीफ, मैंने सोचा कि नहीं भाई बाहर खाने का बोलूँगी तो फिर मुझे दो चार बात अलग से सुना देंगे, नहीं तेरे तो हमेशा ही बाहर का ही खाने का रहता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भी चुपचाप आ गई, और फिर मैंने भी दूसरा पद मैं वैसे हमने सोचा था कि हम मरीना पार्क जाएंगे, पर हम फ्लैग पॉइंट चले गए, मैंने बोला कि चलो बहुत दिनों का फ्लैग पॉइंट नहीं गया तो उधर चले जाता, तो फिर हम उधर जाके बैठ के आए।
फिर मुझे घर आके ये बात पता चली और फिर मुझे इतना दुख हुआ क्या है, आज मेरा दिन था बाहर खाने का, मुझे आज कुछ मिल जाता खाने के लिए पर मुझे नहीं मिला। फिर हम घर पे आके 9:30-10 बजे हमने रोटी बनाई, फिर दाल बनाया, चने का जो साग जो दी ने भिजवाया था ना वो डाल के दाल बनाया इन्होंने, बनाया मस्त टेस्टी बनाया और वो खाया हमने। और दिन में प्रॉन्स बनाए थे मैंने, जो कि वो भी मैंने बड़ा टेस्टी बनाया था, मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की, इतना मेरा टाइम नहीं था, तो दोपहर का वही थोड़ा था तो वो हमने खा लिया। और बर्थडे में सिर्फ प्लेट था, बर्थडे में मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं भूल जाती रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं फटाफट गई, गिफ्ट दिया, हैप्पी बर्थडे हुआ और फिर वो बस टिफ़िन था वो लेके आई, मैं वहाँ पे नहीं खाया, मैं घर पे ही लेके आई, घर पे बैठ के आराम से खाएंगे, खा लिया हमने। और धृति को दिया मैंने खाने के लिए कि तू भी कुछ खा ले, तेरे लिए ही मिला ये, तो उसने बस केक खाया और कुछ नहीं खाया और अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का दिन? पूरा दिन नहीं था, मैंने शाम से रिकॉर्ड करना शुरू किया तो इतना ही था। कमेंट करके बता देना कैसा नहीं लगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।